तो गाइस मैंने अपने PS5 के लिए वेबकैम मंगवाया था जो कि सोनी का ही है, कोई और सपोर्ट कर नहीं रहा था उसमें। तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, वो आ चुका है, तो मैं आपको बताऊंगा कितने का पड़ा, क्या क्वालिटी है, सब कुछ बताता हूँ मैं, तो बने रही वीडियो में। तो गाइस ये है PS5 का वेबकैम, ये सोनी का ही है और ये स्पेसिफिकली प्लेस्टेशन के लिए ही है। इसमें कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं ये। और ये रहा हमारा वेबकैम गाइस, इसकी पैकिंग काफ़ी सही थी, इसके ऊपर एक टेप भी अलग से लगी हुई है, स्क्रैच वगैरह ना पड़े कैमरे पे उस लिए। और USB केबल है कनेक्ट करने के लिए, इसको मैं मॉनिटर के ऊपर कनेक्ट कर लेता हूँ। और मैंने अपना PS5 ओपन कर लिया है। अब इसमें सबसे पहले जो है तो हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सबसे नीचे ब्रॉडकास्ट एंड कैप्चर्स का, इसको ओपन करेंगे, ब्रॉडकास्ट में जाएंगे। वीडियो क्वालिटी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारी हैं इसमें, तो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट वाली रहने दी। अब इसमें थर्ड नंबर पे ऑप्शन है कैमरे का, उसको सेलेक्ट करेंगे हम। कैमरा भी ऑफ है हमारा, तो इसको ऑन कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पे इसको ऑन कर लिया है। उसके बाद इसमें साइज़ भी काफ़ी सारे हैं, आप स्मॉल मीडियम लार्ज कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और लेआउट भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो मुझे सर्कल वाली ही सही लगी, मैं वो ही रहने दूंगा। इसमें आप फ्लिप भी कर सकते हैं और इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं, काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं इसमें। इसमें हम ब्राइटनेस भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं। और ये मुझे 6,500 का पड़ा था, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, और हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ प्राइस अप डाउन हो, क्योंकि मैंने सेल में लिया था। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ले सकते हैं इसको वहाँ से। थैंक